फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जो जानलेवा तो नहीं होती और बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर बेसिकली एक कंडीशन है जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, SGOT, SGPT जो कि लिवर के एंजाइम्स है। और लिवर एंजाइम्स ब्लड में तब आते हैं जब वो फैटी जब वो लिवर सेल डैमेज हो गया है और उसमें से वो एंजाइम्स निकल के ब्लड में आता है, जो कि उस बढ़ी हुई एंजाइम्स को एक डॉक्टर पढ़ के कहते हैं कि जी आपका लिवर डिसफंक्शनल होता जा रहा है, यानी उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जब भी किसी लिवर में की सेल में डैमेज होता है तो वो लिवर स्ट्रक्चर को, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर फैट भरना शुरू हो जाता है ताकि वो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो बनी रहे, कोलैप्स ना कर जाए पूरा लिवर। तो ये जो फैट जब बढ़ना शुरू होता है तो ये अल्ट्रासाउंड में दिखता है एज फैटी लिवर। फैटी लिवर की दो पहलू हैं जो आपको समझने चाहिए। सबसे पहले है कि ये डेंजर की पहली सीढ़ी है, यानी डेंजर आने वाला है उसकी ये एक रेड फ्लैग है। फैटी लिवर होने से ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे या आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मगर ये पहली सीढ़ी है बड़ी बीमारी बनने का। यानी अगर आप अब इसे नहीं कंट्रोल करेंगे, अब अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, तो आगे जाके ये बड़ी बीमारी भी बन सकती है, क्योंकि फैटी लिवर एक कॉम्प्रोमाइज लिवर होता है, उसमें कई तरह की इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया और फैटी लिवर हो गया और आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल नहीं रहे हैं, देयर इज अ कंटिन्यूड ऑफेंसिव स्टिमुलस टू द लिवर, तो आगे जाके घातक भी हो सकता है। तो क्या करें अगर आपका फैटी लिवर है? तो सबसे पहले है कि आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि आई विल ऑनर माई बॉडी, आई विल ट्रीट माई बॉडी विद रिस्पेक्ट। कोई भी जंक अपने अंदर में नहीं डालूंगा या डालूंगी। जंक कौन सी चीज होती है? एरेटेड ड्रिंक्स, जितने भी ये ब्लैक ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी ये फिजी ब्लैक एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये आपकी इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं और आगे जाके फिर लिवर को डैमेज करते हैं। प्लीज स्टे ऑफ दीज ड्रिंक्स। उसके बदले इतने सारे बेवरेजेस हैं, इतने सारे ड्रिंक्स हैं जिसको आप बना सकते हैं, पी सकते हैं। और आजकल मार्केट में बहुत सी चीज़ें भी मिलती जा रही हैं, ठंडाई है, लस्सी है, छाछ है, कोकोनट वाटर है, बहुत सी चीज़ें, बहुत बेवरेजेस आजकल मार्केट में मिलती हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो भी पैकेट में चीज़ आती है पैकेट पलट के देखिए, उसके प्रिजर्वेटिव देखिए, उसके केमिकल्स देखिए, उसके आर्टिफिशियल कलर्स देखिए, पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कितने मुश्किल मुश्किल नाम हैं। ये सब केमिकल्स के नाम हैं। इतना केमिकल जब आपके अंदर जाता है तो वो सारा केमिकल जाके अल्टीमेटली स्टोर होता है लिवर में और फिर वहाँ पे वो डैमेज क्रिएट करता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी पैकेज वाली चीज़ें कम से कम खाएं। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद में, आयुर्वेद में बहुत से ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपके लिवर को मदद करते हैं केमिकल्स डिटॉक्सिफाई करने में, उस केमिकल को निकालने में। बहुत सिंपली जैसे डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स वाटर की जो रेसिपीज है वो हम सिखाते हैं कि कैसे डिटॉक्स वाटर बनाए, क्योंकि वात और पित्त और कफ की डिटॉक्स वाटर की जो रेसिपी है वो अलग रहती है। इसी तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि कौन सी हर्ब्स आपके लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल हर्ब जो आजकल हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एलोवेरा, वो आपके इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है, आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से बहुत एक सिंपल चीज़ है, हल्दी या दालचीनी यानी सिनेमन, यानी रोज अगर आप सिनेमन कैप्सूल्स खा रहे हैं या सिनेमन खा रहे हैं तो, और उसको एक प्रॉपरली, क्योंकि सिनेमन कुछ तो हम जैसे एक जस्ट एक टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, बट अगर हम उसको प्रॉपरली एक रेसिपी फॉर्म में भी खा रहे हैं तो उसका सही तरीके से अगर आप खाएं तो उसका बहुत थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। त्रिफला, ये भी बहुत इफेक्ट करता है और लिवर को हेल्दी रखता है। और डिटॉक्स डे, यानी अगर आपका फैटी लिवर हो चुका है तो हफ्ते में एक दिन आपको डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कई बार आपका जो ऑयल है वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ही आपके लिवर को डैमेज कर रहा है, क्योंकि उस ऑयल में केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स आपके लिवर को डैमेज कर रहे हैं, बिकॉज ऑयल बहुत तेजी से अब्जॉर्ब होता है बॉडी में और वो लास्ट लेयर तक जाता है। इट इज अब्जॉर्ब इन द बॉडी और वो हर टिश्यू के अंदर जाता है, और अगर वो उसकी क्वालिटी खराब है तो फिर जैसे जो सबसे ज्यादा डेंजरस चीजें होती हैं, खराब पानी, खराब हवा और खराब ऑयल, क्योंकि सारी चीजें डीपेस्ट टिश्यू लेयर में जाती हैं और डिपॉजिट होती हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे सही चुनाव करें। अगर आपकी फैटी लिवर की डायग्नोसिस आ चुकी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हर्ब्स के साथ आप अपने फैटी लिवर को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है और इसकी क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसेस है, अगर आप जानना चाहते हैं आप हमें मैसेज कीजिए एंड आवर प्रोफेशनल्स विल रीच आउट टू यू।